अरे रोल्स रॉयस यार, तेरी अपनी गाड़ी है। हाँ यहाँ एक कार भी है, इशू ही नहीं कोई। हाँ समझे हूँ। फ्लाइट्स देखे कितनी महंगी हो गई हैं। हाँ यार काफी महंगी चली। कितने की आ रही? 2000 मिनिमम रिटर्न टिकट। 2000? हाँ कहाँ जाना है? अरे पाकिस्तान जाना है, कुछ काम है मुझे तो। मसला है कोई नहीं है यार, बेकार लेने चचा है अपने। स्ट्रेट 50% डिस्काउंट मिलेगा। नहीं यार 50% मतलब 1000 दिरहम का टिकट हो जाएगा रिटर्न। अरे 1000 क्या, 500 में करवा देंगे यार। 500? अरे बात करवाओ ना यार। कब जाना तुम? मुझे अगले हफ्ते मंडे को जाना है। मंडे को ना? तो हाँ अभी तो बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। तो मतलब अभी टिकट नहीं करवाऊं? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं करवा के दूंगा आपको सस्ते में। तो कल मैं तुम्हें रिमाइंडर कॉल करूंगा। हाँ श्योर श्योर श्योर, आराम से करना। डन है यार। अरे यार परवेज भाई ने टिकट नहीं करवाया अभी तक। हेलो अस्सलाम वालेकुम परवेज भाई। हेलो। हाँ जी जी जी, याद है आपने बोला था कि आप टिकट्स करवाएंगे, आपके चाचा होते हैं वो 75% ऑफ देते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं आपको 300 दिरहम अभी भेज देता हूँ, आप मुझे टिकट करवा दें। यार वो दरअसल चाचा जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा। मैंने बहुत कोशिश की पर कॉन्टेक्ट हो ही नहीं पा रहा। तो तू एक काम कर, तो अभी टिकट अपने पास से खरीद ले, नेक्स्ट विजिट में मैं बिल्कुल इसको मेक श्योर करूंगा और तुझे दिलवा दूंगा डिस्काउंट। ठीक है? मतलब अभी मैं फुल प्राइस में खुद से लूँ टिकट? हाँ ना ले ले बस यार, तुझे तो जाना ही है, तो नेक्स्ट टाइम लेकिन जरूर करवाएंगे फॉर श्योर। यार परवेज भाई अगर आपसे नहीं हो रहा था तो आप मुझे बता देते ना, अब ट्रिपल प्राइस से मुझे टिकट मिलेंगे। यार मैंने कोशिश की थी लेकिन वो उनसे कॉन्टेक्ट ही नहीं पा रहा। तू अभी खरीद ले, महंगा सस्ता क्या होता है यार, सब एक बराबर ही है तेरे लिए क्या महंगा यार। लेकिन नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट दिलवा देंगे फॉर श्योर, चाचा से मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा पहले ही। ठीक है अभी तुम ले लो। यार परवेज भाई ने मरवा दिया। तू पाकिस्तान जा रहे हैं ना? हाँ हाँ। यार वो घर पे कुछ पैसे देने अर्जेंटली, तो ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा पैसे। कितने लेके जाने? मैं सुबह तक बताता हूँ, अभी बजट कर लेता हूँ। क्यों उसको तकलीफ दे रहा है यार, मुझे बता दे, अपना बिजनेस चल रहा है, जो भी हो मैं वहाँ पर डलवा दूंगा, इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ दिरहम में दे दूँ आराम से, कोई इशू ही नहीं। अब वहाँ दे देंगे पक्का। कितने देने हैं? 10-15 लाख रुपए हैं। नहीं इतने कहाँ, थोड़े बहुत होंगे। मैं सुबह तक आपको बता देता हूँ बजट करके। इसके अलावा कभी कोई ऊपर भी होए तो मसला नहीं है, मैं भिजवा दूंगा वहाँ पे, तुम मुझे देते रहना बात। नहीं नहीं थैंक यू सो मच, मैं आपको सुबह तक बता देता हूँ। ठीक है भाई। हाँ परवेज भाई को पूछो। हेलो। हाँ समी। हाँ परवेज भाई, वो मैंने हिसाब कर लिया था, ज्यादा नहीं है, बस 1500 दिरहम भेज दिया मुझे। यार 1500 बहुत छोटी अमाउंट है यार, तुझे कहा भी था मैंने यार कि कोई बड़ी अमाउंट हो तो बताओ। हाँ छोटी सी अमाउंट है, मैंने आपको पहले बताया तो था, इतने नहीं भेजने मैंने। हाँ यार पहले बताया तो था लेकिन अगेन 15000 भी होते तो समझ में आता यार, अभी मैं 1500 के लिए किसको फोन करूँ समी। यार छोड़ ना, तू काम कर, जैसे पूछ ले उसे क्या भेज दे यार। है परवेज भाई, अब तो जैसे भी चला गया होगा, आपको बताया था अर्जेंसी है थोड़ी, इमरजेंसी में भेज रहा हूँ। यार अभी तू बोलेगा तो मैं भेज दूंगा लेकिन तू समझ रहा ना बात को। यार परवेज भाई पहले बोल देते, मैं तो जैसे के हाथ वैसे भी भेज रहा था, आपने खुद बीच में आके बोला था। मैं 1500 दिरहम भेजने यार क्या? यार अच्छा आप छोड़े, मैं जैसे से पूछता हूँ, चक्कर में रुकना ही नहीं चाहिए था। हाँ रोलेक्स की घड़ी मैं करवा देता हूँ। कितने? 1 पीस है, 10 पीस मंगाओ, मैं करवा दूंगा। खैर नहीं यार, होटल्स कितने महंगे हो चुके हैं। क्यों तुझे होटल का क्या करना है? जब मैं पाकिस्तान से वापस आऊंगा ना तो कजिन साथ आ रहा है, मैंने तो उसको बोला कि मेरे साथ रुक जाओ, उसने बोला नहीं यार प्राइवेसी की बात होती है, मुझे होटल चाहिए, दुबई में रहना है, मेट्रो के पास रहना है। हाँ वो तुम ऑफिस जाते हो तंग होगा फिजूल में। जाहिर है यार तू ऑफिस जाता है, बिजी होता होगा, कहाँ रह पाएगा। एक काम कर, अपना एक फ्लैट है वहाँ पे उसको रुकवा दे। आपके पास है? अरे हाँ दुबई में यार, मेट्रो के बिल्कुल साथ ही पूरा अपार्टमेंट है अपना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसको। नहीं यार मेट्रो के पास, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ 2 BHK भाई, कोई इशू ही नहीं है, कभी कोई और फैमिली नहीं भी आया करे ना मुझे बता दिया कर, वहाँ रुक जाएगी, नो प्रॉब्लम। 2 BHK तो फिर मैं उसको बता दूँ? वो एग्जैक्टली बिल्कुल मना करता उसको, बोलो वो आएगा वहीं रुकेगा, और तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है कोई, कब भाई है यहाँ पे। यार ये तो आपने पहले नहीं बताया हमें। बस यार रखी हुई है कुछ चीज़ें यार, तुम्हें सभी कभी हो तो बता दियो। चलो उसको मैसेज कर दिया मैंने। यार परवेज कहाँ हो तुम? मेरा कजिन आ चुका है, आपने बोला था आप मुझे होटल अपार्टमेंट करवा रहे हैं तो वो वेट कर रहा है। मेरा कौन सा फ्लैट? अच्छा हाँ मेरा फ्लैट।
यार उसकी ना वो मेंटेनेंस चल रही है। अब तो ये पहले बताना था ना। अभी तो नहीं हो पाएगा ब्रो। अब मैं क्या करूँ यार, कजन को एक काम कर, यॉर्क वॉर्क में ठहरा दे, मतलब कहीं भी ठहरा दे यार। वो तो होटल में पहले भी कर रहा था, अब मुझे महंगे मिलेंगे ना। मैं क्या कर सकता हूँ यार, वो उसमें मेंटेनेंस चल रही है और वो अलाउ नहीं करेंगे। दे कांट अलाउ मी, यू नो दिस इज दुबई ब्रो, सो आई एम सो सॉरी। चल यार क्या हुआ, टोपी करा दी? हाँ टोपी करवा दी, अब तो मेरे पास तो रुकना नहीं है, तो चलो होटल करवाना। चलो यार करते हैं यार, बिल मंगवा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, बिल बिल मैं दूंगा। कितने हो गए? अरे हम दे रहे हैं। अरे नहीं मसला नहीं यार, मैं अपना कार्ड लाना भूल गया हूँ, तो अभी तुम दे दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम बिल्कुल जिद्दी करना, नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा, पक्की बात है। तुम दे रहे हो? मैं दूँ? मैं दे देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा, नेक्स्ट टाइम मुझे दे दीजिए। भाई अगर आपके ग्रुप में भी एक फेकू परवेज होता है तो उसको नीचे टैग करें और उसको बताएं इतना मत फेंको,